और अगली खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त जो अगली खबर हमें मिल रही है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, उत्तर प्रदेश के अफसरों को तत्काल रिहा का आदेश मिला है। हिरासत में लेने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के अफसरों को तत्काल रिहा का आदेश मिला है। हिरासत में लेने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिला है। मुख्य सचिव के खिलाफ वारंट जारी पर रोक लगा दी गई है। एसीएस वित्त के खिलाफ वारंट पर भी रोक लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिला है। पूरे मामले को समझते हैं, अमरिंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। अमरिंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है जहां उत्तर प्रदेश में अफसरों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए गए? देखिए, ये मामला हाई कोर्ट के और जो जज हैं या जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते थे उनके लाभों को लेकर, उनके फायदों को लेकर, उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को लेकर ये जो मामला चल रहा था। कोर्ट ने, न्यायिक विभाग जो है उसके अफसरों को कोर्ट ने इसलिए निर्देश दिए थे कि जितनी जल्दी मामले को निपटाए और सब चीजें आगे लाई जाए कि कैसे लाभ मिलेंगे, कितने लाभ मिलेंगे, क्या लाभ मिलेंगे, उसको लेकर यह मामला था। लेकिन ये मामला लंबित हुआ और लंबित होने के बाद कोर्ट ने इसमें सख्ती दिखाई और उत्तर प्रदेश के न्यायिक विभाग से और वित्त विभाग में आती हुए थे हाई कोर्ट में, उनको वहीं पर जो है हिरासत में लेकर आदेश और 24 घंटे से वो हिरासत में, मतलब लगभग 22 घंटे से हिरासत में उनको रखा गया था। जब वो कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया और साथ ही कोर्ट ने जो एसीएस वित्त और चीफ सेक्रेटरी को हाजिर होने के लिए वारंट जारी कर दिया और चीफ सेक्रेटरी को हाजिर होने की नोटिस जारी, यानी कोर्ट ने एक बहुत बड़ी शक्ति दिखाई जिसको सरकार ने जायज नहीं माना। और ऐसे में न्यायिक विभाग और वित्त विभाग जो है अपर मुख्य सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये जो व्यवहार है यानी कि क्योंकि निर्धारण के एक विधि है, एक सिस्टम है, सरकार के शासन के उस सिस्टम के अनुसार, एक गाइडलाइन के अनुसार ही उस काम को हम पूरा करके और रिपोर्ट आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हम फैसला दे सकते हैं। और हाई कोर्ट इसमें जो जल्दबाजी दिखा रहा है, हाई कोर्ट इसमें जो गुस्सा प्रति है उसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश हाई कोर्ट का था उस पर स्टे लगा दिया, उस पर रोक लगा दी और तत्काल जिन अफसरों को हिरासत में लिया गया था, जिनको डिटेन किया गया था, उनको रिहा करने का भी आदेश दिया और उस वारंट को भी कर दिया जो कि बड़े अधिकारियों के लिए जारी किया गया था। पार्वती जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वारंट जारी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुंची थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अब अपडेट ये कि यूपी के अफसरों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।